हेलो बच्चों, मेरा नाम पवन गुप्ता, टीम फिजिक्स सीएलसी सीकर। शुरुआत करते हैं हमारे टेस्ट सीरीज में फिजिक्स के पार्ट के सॉल्यूशन की। सेक्शन ए की बात करेंगे जिसमें सारे क्वेश्चन कंपलसरी होते हैं। पहला क्वेश्चन सिग्नेंट फिगर का है। इसमें आपको बताना है कि अगर मान लो 3.5, 1.86 और 0.589 प्लस 0.07 को अगर आप जोड़ते हो तो आपको क्या वैल्यू मिलेगी। देखो सिंपल सा कंसेप्ट है, जो पॉइंट के बाद के डेसिमल होते हैं वो काउंट होते हैं। इसमें पॉइंट का कितने हैं, 1, 2, इसमें कितने, 1, 2, 3, इसमें कितने, 1, 2, 3, 4, तो मिनिमम कितने हैं, 2 है ना मिनिमम। तो आंसर में भी पॉइंट के बाद की केवल 2 डेसिमल आने चाहिए। तो पॉइंट के बाद 2 डेसिमल का मेरे पास, ये तो 4 है, ये 3 है, दोनों ऑप्शन गलत है। अब एक बार इसको सॉल्व कर लेते हैं। 9, 8, 7, 17, तो 9, 8, 9, 10, 17, 5, 5, 11 और 4, ये मेरा आंसर आएगा। अब इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा, तो 76 50 से बड़ा है ना, तो इसका राउंड ऑफ क्या हो जाएगा, तो 76 जो है वो 50 से बड़ा है, इसलिए 7 की जगह मैं 8 कर दूंगा, बस इस वाले 7 की जगह, है ना। तो आंसर हो जाएगा 4.18, मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 4 ऑप्शन, ठीक है। 2, कौन सा लार्जेस्ट यूनिट है लेंथ की, लेंथ की लार्जेस्ट यूनिट होती है पार्सेक, ये डायरेक्ट है। इसमें बोल रहा है कौन सा डायमेंशन है ए बाई बी की। देखो सिंपल सी बात है, पी ए टी बराबर बी माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स क्या है, डिस्टेंस है ना, तो डिस्टेंस में से डिस्टेंस से माइनस होती है, मतलब बी की डायमेंशन जो है वो एक्स स्क्वायर की डायमेंशन के इक्वल होनी चाहिए। एक्स स्क्वायर की डायमेंशन क्या है, एल टू। फिर अगर अपन देखें तो ए की डायमेंशन क्या हो जाएगा, है ना, अपने पास पी ए टी डायमेंशनल, ये भी एक्स स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए, तो ए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन पी टी, है ना। अब आपसे पूछा है ए बाई बी की डायमेंशन, पूरा सॉल्व मत करो, एक बार यहाँ पे ए बाई बी को सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन पी टी और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, डायमेंशन ये डायमेंशन के हिसाब से लिख रहा हूँ मैं, ना तो ए बाई बी की डायमेंशन क्या बचेगी, 1 अपॉन पी टी, ये हो जाएगा एम वन एल टू टी माइनस 3 टी 1, ऊपर जाके क्या हो जाएगा मेरे पास, एम की पावर माइनस 1, एल की पावर माइनस 2, टी की पावर 2, तो माइनस 1 माइनस 2 और 2, मेरा फोर्थ ऑप्शन आ गया, ठीक है। तो ए बाई बी पूरा मत सॉल्व करो भले से, बी आपने यहाँ तक निकाल लिया ना, ए यहाँ तक निकाल लिया, अब इसको डिवाइड करके इसको यहीं पे सॉल्व कर लो, है ना, थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा, टाइम बच जाएगा आपका। कौन सा पेयर की डायमेंशन सेम है, हमें पता है कि वर्क और टॉर्क दोनों की डायमेंशन सेम होती है, दोनों की यूनिट होती है न्यूटन इंटू मीटर, है ना। अगला आता है सॉलिड एंगल, हमें पता है सॉलिड एंगल थीटा क्या होता है, एल बाई आर, तो एल बाई आर लेंथ बाई रेडियस, मतलब इसकी डायमेंशन तो होगी नहीं लेकिन इसकी यूनिट होती है, तो डायमेंशन लेस है बट इसकी यूनिट है डिग्री और रेडियन, याद है ना। 6 में आ रहा है फोर्स वी टी को कंसिडर करें फंडामेंटल क्वांटिटी, तो मास की डायमेंशन क्या होगी, तो देखो मास को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, फोर्स की पावर ए, वी की पावर बी, टी की पावर सी, है ना, क्या होता है एम वन एल वन टी माइनस 2 पावर ए, एल वन टी माइनस 1 पावर बी, टी 1 की पावर सी, तो एम वन एल जीरो टी जीरो, ठीक है, तो एम वन एल जीरो टी जीरो बराबर एम ए एल ए प्लस बी टी माइनस 2 ए माइनस ऑफ बी प्लस सी, तो ए की वैल्यू तो क्या आ जाएगी 1, कंपेयर करेंगे ना पावर को, तो इसको इससे कंपेयर किया, ए प्लस बी कितना हो जाएगा 0, तो बी हो जाएगा माइनस ऑफ ए यानी कि माइनस 1। अब देखो माइनस 2 ए माइनस ऑफ बी प्लस सी मिला के 0, ये क्या हुआ कंपेरिजन, आप इस पावर को टी की पावर को इधर 0 से कंपेयर करो, ठीक है, तो माइनस 2 ए की वैल्यू होती है 1 माइनस ऑफ माइनस 1 प्लस सी, तो सी कितना आ जाएगा 1 आएगा, तो सी 1 आ जाएगा, तो आपके पास क्या बनेगा, एफ की पावर ए यानी कि 1, वी की माइनस 1, टी की 1, तो मेरा आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, इसमें कोई कंफ्यूजन, ये आपका आंसर आ गया 106 पे थर्ड ऑप्शन। फिर आएगा 107, 107 में आपका आंसर आएगा, देखो जब भी इस तरह से हो ना तो पावर्स को हमेशा ऐसे आगे लिख देते हैं और ये परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला बन जाएगा, सी की हाफ पावर है और डी की भी हाफ पावर है, तो देखो ए का परसेंटेज चेंज कितना है, यहाँ लिखो 1%, 2 × 2%, 1/2 × 3% और 1/2 × 4%,
कितना हो जाएगा, एक और दो तो चार, पांच, पांच और 3.5, 8.5% ये हो गया। तो ध्यान रखना, इसमें ध्यान रखना कि जो पावर होती है उनको आगे ले देते हैं परसेंटेज चेंज निकालने के लिए। ये तरीका केवल छोटे परसेंटेज चेंज पे काम आता है। ओके बेटा, 7 का 8, ये बोल रहे कौन सा मीनिंगफुल है। देखो पी और क्यू की अगर डिफरेंट डायमेंशन है तो डिफरेंट डायमेंशन वालों को भी आप ऐड नहीं कर सकते। तो यहां तो ऐड करा हुआ है, गलत हो गया, यहां ऐड करा हुआ है, गलत हो गया, यहां ऐड करा हुआ है, गलत हो गया। डिफरेंट डायमेंशन वालों को आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। तो क्यू और आर की डायमेंशन डिफरेंट होगी इसलिए अपन ने डिवाइड कर दिया। अब इनको डिवाइड करने के बाद हो सकता है कि डायमेंशन पी के जैसी आ जाए। भाई जैसे मान लो ये है फोर्स, क्यू है सॉरी, जैसे मान लेते ये है एक्सेलरेशन, पी को मान लो एक्सेलरेशन, क्यू को मान लो फोर्स और आर को मान लो एम। तो ए और एफ बाई एम भी तो क्या होता है, एक्सेलरेशन ही होता है ना। तो ये मीनिंगफुल हो तो सकता है ना, पॉसिबिलिटी तो है ना, बाकी तीन में तो कभी पॉसिबिलिटी भी नहीं है, है ना। तो 108 का आंसर हो जाएगा 2। 109 में वापस देखो एम की पावर क्या है, तो 1 × m%, 1 × l%, 2 × t%। कितनी एरर दी हुई, 1 × 1%, 1 × 2%, 2 × 3%, कितना आ जाएगा, 6 × 3 = 9, 9% फोर्थ आंसर हो गया। ये बोल रहे हैं कि एक अगले सिस्टम क्वेश्चन में एक नए सिस्टम है जिसमें 5 kg आपका बेसिक मास है, फंडामेंटल यूनिट 50 cm है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ टाइम 10 सेकंड है। तो 10 N फोर्स क्या होगा, देखो 10 N, न्यूटन का मतलब क्या होता है, kg × m/s². अब नए सिस्टम में क्या है, 5 kg स्टैंडर्ड है तो मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और 5 से डिवाइड कर रहा हूँ। मीटर में कितना है, 50 cm ना, तो इस मीटर को मैं 100 cm की बजाय 50 cm अंदर लिखता हूँ और 2 बाहर लिख देता हूँ। 2 × 500 cm आ जाएगा, 100 cm मतलब 1 मीटर होता है। और टाइम कितना है, 10 सेकंड है ना, तो यहाँ मैं 1/100 करके अंदर 10 सेकंड का² कर देता हूँ। तो देखो अब इस वैल्यूज न्यूमेरिकल वैल्यू जो बाहर लिखे ना उनको बाहर रखो, 10, 1/5, 2 और 1/100। अंदर क्या बचेगा, 5 kg बचेगा, 50 cm बचेगा और 10 सेकेंड्स का² बच जाएगा। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी 2/5000 और इसको न्यूटन डैश बोलता हूँ इस पूरी यूनिट को। तो मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 400 N/d। तो मेरा आंसर आ जाएगा 400। भाई जो जो दिया है ना वैसे वैसे रिप्लेस कर दो। केजी में मैंने 5 को मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों किया, क्योंकि मुझे 5 kg लाना है नए सिस्टम में, 5 kg को स्टैंडर्ड मास माना है इस तरह से। तो ऐसे जो रिक्वायर्ड कन्वर्जन है वो करो, आपका आंसर आ जाएगा। ये बोल रहे हैं अगला कि लीस्ट काउंट 1/5 सेकंड है, टोटल टाइम 25 सेकंड 20 ओसिलेशन के लिए। देखो 20 ओसिलेशन का टाइम 25 सेकंड है ना, तो इसका तो मैं बोल सकता हूँ 20 t = 25 + 1/5। तो एक ओसिलेशन का टाइम कितना रहेगा, 25/20 + 1/5/20, कितना हो जाएगा, 1.25 + 1/100। परसेंटेज चेंज बताना है तो टी परसेंटेज क्या होता है, डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100%। कितना टाइम में एरर है, 1/100 की एरर है, टी कितना है, 1.25 × 100%, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास, ये खत्म, ये हो जाएगा 4/5%, यानी कि 0.8%, 0.8% फर्स्ट आंसर 111 का फर्स्ट। फिर 112 आपसे 5 से 7 में एवरेज वेलोसिटी पूछी, देखो कितना चेंज हुआ पोजीशन, 5 पे 5 सेकंड में ऑब्जेक्ट 15 पे था, 7 में ये कहाँ पहुंच गया, 40 पे, कितना शिफ्ट हुआ, शिफ्ट हुआ 40 - 15, कितना टाइम लगा, 7 - 5, आंसर आएगा 25/2। बस टोटल चेंज इन पोजीशन अपॉन टोटल टाइम, सिंपल सा फॉर्मूला होता है एवरेज वेलोसिटी का, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, ये एवरेज वेलोसिटी होती है। 113 में आपसे बोला है कि 2 सेकंड बाद वेलोसिटी क्या होगी। तो देखो सिंपल सी बात है, इसका डिफरेंशिएशन कर दो ना, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डीएक्स बाय डीटी, तो ए का तो 0 हो जाएगा, बी 2t, तो क्या हो जाएगा, 2bt, ये v हो जाएगा। तो t कितना रखना है, 2, b की वैल्यू है 2.5 और t की वैल्यू भी 2, तो कितना आंसर आएगा, 10 आ गया, ठीक है। तो सिंपल ही डिफरेंशिएशन हो रहा है। फिर अगला है प्रीवियस क्वेश्चन में एवरेज वेलोसिटी t = 0 से t = 2 तक क्या होगी। देखो
हमें टी बराबर जीरो से टी बराबर टू तक की एवरेज वेलोसिटी बतानी है, तो मैं इसको ये कर देता हूँ, वी एवरेज टी जीरो से टी टू तक, है ना। तो देखो क्या निकालना है, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू टू स्क्वायर माइनस ऑफ ए प्लस बी इंटू जीरो का स्क्वायर डिवाइड बाय टू माइनस जीरो, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए से कटेगा फोर बी आ जाएगा, फोर बी बाई टू यानी कि टू बी, टू बी यानी कि पाँच सॉल्व करने पे, तो मेरा आंसर इसका क्या आएगा, पाँच। ठीक है, 115 में कार जो है वो 90 किलोमीटर की स्पीड जा रही है, 10 मीटर में रुक जाती है ब्रेक लगाने का, रिटार्डेशन पूछा है। सिंपल सी बात है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस होता है, वी फाइनल तो जीरो है, इनिशियल कितना है 90 इंटू 5 बाई 18 का स्क्वायर प्लस टू ए एस कितना है 10, तो इससे एक्सेलरेशन कितना रहेगा आपका, ये 5 बार कटेगा, 25 का स्क्वायर 625 बटा 20 माइनस में 31.525, ये आपका आंसर आ गया। सिंपल सेकेंड थर्ड इक्वेशन काम में लेनी है ना। अभी बोल रहे हैं कि डायमेंशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम होता है केजी इंटू मीटर पर सेकेंड में, तो डायमेंशन क्या है, m1 l1 t माइनस 1, तो मतलब अल्फा तो 1 है, बीटा जो है वो 1 है, गामा जो है वो माइनस 1 है, तो मुझे क्या रखना है, अल्फा की वैल्यू 1 प्लस 1 माइनस ऑफ 2 इंटू माइनस 1, तो कितना हो जाएगा 4, ये हो गया फोर्थ ऑप्शन। इसमें कोई कंफ्यूजन, 17 में बोल रहे हैं स्फेयर की रेडियस को इंक्रीज कर रहे हैं 2% से, वॉल्यूम में चेंज कितना होगा, वॉल्यूम आर की पावर 3 पे डिपेंड करता है, मतलब वॉल्यूम में परसेंटेज चेंज बराबर 3 इंटू आर का परसेंटेज चेंज, 3 इंटू 2% कितना हो गया बेटा 6%, ये आ गया। कितने जीरो सिग्निफिकेंट है इसमें, देखो ये आगे के जीरो कभी काम के नहीं होते, डेसिमल लगा है इस वजह से पीछे वाले जीरो भी काम के, तो तीन जीरो, ये दो जीरो तो काम के हैं इसी बीच में, इस वजह से ये लास्ट का जीरो क्यों काम का है, क्योंकि डेसिमल वाली वैल्यू में ट्रेलिंग जीरो है, डेसिमल आने के बाद पीछे वाले जीरो जो सबसे लास्ट के हैं वो भी काउंट होते हैं, तो तीन जीरो इसमें काउंट हो रहे हैं, है ना। इसने यही पूछा है कितने जीरो टोटल सिग्निफिकेंट नहीं पूछा, ध्यान रखना कितने जीरो सिग्निफिकेंट है ये पूछा है। ठीक है, 19 में बोल रहा है कि पुलिस वैन जो है वो हाईवे पे जा रहा है ना। देखो एक पुलिस की वैन है, एक चोर की कार है, ठीक है, चोर की कार कितनी स्पीड से जा रही है, चोर की कार जा रही है 192 की स्पीड से किलोमीटर पर आर की स्पीड से, पुलिस की वैन जा रही है 30 किलोमीटर पर आर की स्पीड से, ठीक है, और यहां से एक बुलेट और फायर हुई जिसकी मजल वेलोसिटी, मजल मतलब कि बंदूक से निकलने की जो वेलोसिटी है बुलेट की वो दिया हुआ है, कितनी दी हुई है आपको 150। तो देखो बुलेट की वेन की रिलेटिव स्पीड जो है वो 150 है, इसको भी मैं मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करूँ तो 30 इंटू 5 बाई 18 और इसको करूँगा तो 192 इंटू 5 बाई 18, ठीक है। तो अब देखो बुलेट के पास टोटल स्पीड ग्राउंड के रिलेटिव ये होगी, अब उसने पूछा इस चोर को वो किस स्पीड से आती लगेगी बुलेट, तो बुलेट की टोटल स्पीड कितनी आएगी, 150 प्लस 30 इंटू 5 बटा 18, इसमें से माइनस कर दो थीफ की स्पीड 192 इंटू 5 बाई 18, तो ये कितना हो जाएगा, 192 चीज गया तो 162 इंटू 5 बाई 18, ये माइनस हो जाएगा ना, फिर ये कटेगा 9 बार, 105 बचेगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा 105। मतलब इस चोर को बुलेट जो है वो खुद के रिलेटिव, चोर को खुद के रिलेटिव 105 से आती हुई फील होगी, ठीक है। 120 में बोला है डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, देखो 3 तो आई कैप पे, 4 जे कैप में, इस 5 का कंपोनेंट आएगा 4 और इधर आएगा 3, तो अगला क्या आएगा 4i प्लस 3j, जोड़ोगे तो क्या आएगा 7i 7j, कितना आएगा आंसर 7√2, ये डिस्प्लेसमेंट है, इसका मॉड निकाल लो 7√2 आ जाएगा, है ना। फिर अगला बोल रहा है बॉडी 30 किलोमीटर साउथ जाती है फिर 40 किलोमीटर ईस्ट जाती है, ये 30 तो साउथ में 40 ईस्ट में, तो ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट तो ये हो गया ना, तो ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट कितना रहेगा 50, इधर से एंगल कितना आएगा 53 और उधर से एंगल कितना आएगा 37, भाई डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा इसमें, डिस्प्लेसमेंट आएगा 30 ऑफ माइनस जे के 40 आई के, तो डिस्प्लेसमेंट का मोड आएगा 30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर दैट इज 50, और एंगल जो निकालोगे तो ये वाला एंगल निकालोगे तो 53 आएगा, 53 किधर, साउथ से ईस्ट की तरफ, तो साउथ से ईस्ट की तरफ
53, लेकिन 50 का तो पहले तो ऑप्शन 50 का तो एक ही दिया हुआ है ना, तो कोई दिक्कत ही नहीं। 37 साउथ ऑफ ईस्ट का मतलब क्या है, फ्रॉम ईस्ट टू साउथ 37, तो ये वाला एंगल इन्होंने यहां मेंशन किया हुआ है। ठीक है, 122 में बोल रहे हैं कि एक कार जो है nth सेकंड में जो डिस्टेंस कवर करती है और n सेकंड तक टोटल जो चलती है, देखो समझना क्वेश्चन को, t बराबर 0, t बराबर 1, t बराबर 2 है ना, ऐसे करते करते t बराबर n माइनस 1 और t बराबर n। एक तो था टोटल डिस्टेंस, इसको तो इन्होंने बोला है, एक तो था टोटल डिस्टेंस है ना s नेट, और एक होता है s nth कि यहां से यहां तक कितना चला। अब रेशियो किसका पूछा है, nth सेकेंड टू टोटल डिस्टेंस, तो इन्होंने रेशियो nth सेकेंड और s नेट का पूछा है। nth सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट का रेशियो था u प्लस हाफ ए टू एन माइनस वन, और इसका होता है ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें देखो u तो जीरो हो गया ना, तो जीरो प्लस हाफ ए टू एन माइनस वन, इधर भी आ जाएगा जीरो प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, तो ये कट के क्या आ जाएगा, टू एन माइनस वन अपॉन एन स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा टू बाई एन माइनस वन बाई एन स्क्वायर, थर्ड आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, 22 हो गया। 23 में बोल रहे हैं कि एक पार्टिकल जो है जिसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 4i माइनस ऑफ 5j, एक्सेलरेशन कितना है 2i, तो 4 सेकंड पे स्पीड क्या होगी, v बराबर क्या होता है, u प्लस at, तो 4i माइनस ऑफ 5j प्लस 2i इंटू 4, 4 सेकंड बोला ना, तो कितना, 4 2 8 और 4 12, 12i माइनस ऑफ 5j, इसका मॉड निकालो, स्पीड पूछा ना, तो 12 और 5 का मॉड कितना आ जाएगा, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 13, तो स्पीड आएगी आपके पास 13। भाई सिंपल, आपको वेक्टर एडिशन से वेक्टर ये फॉर्मूला है अपना मोशन का, उससे v निकाल के मॉड निकालना है। 124 में आपको बोला है कि पार्टिकल कांस्टेंट एक्सेलरेशन -4 रखता है, इनिशियल वेलोसिटी +8 है, 5 सेकंड में ये कितना दूर चलेगा। देखो सिंपल सी बात है, समझना, पहले तो जा रहा है वेलोसिटी +8, लेकिन एक्सेलरेशन अपोजिट है, ध्यान रखना एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंटली -4 है, तो कुछ दूर जाके रुक जाएगा और फिर पलटेगा, कितनी दूर जाके रुकेगा, देखो वी बराबर यू प्लस एटी होता है, तो यहां रुक गया मान लो टी, तो टी कितना आ जाएगा, 2 सेकेंड, 2 सेकंड बाद तो एक इंस्टेंट के लिए रुक गया, तब तक कितना चलेगा वो, तो एस वन निकाल लेते हैं यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से, तो 8 × 2 हाफ -4 2 का स्क्वायर 16 -8, 8 मीटर तो अभी वो चल चुका है। अब ये बोल रहे टोटल 5 सेकंड में, तो 2 सेकंड तो यहां हो गए ना, और यहां स्पीड 0 हो चुकी है, अब अगले 3 सेकंड में, यानी कि टोटल 5 सेकंड, तो अगले 3 सेकंड में कितना चलेगा, एस टू कैसे निकालेंगे, यू टी डेल्टा टी होता है बेसिकली हाफ ए डेल्टा टी स्क्वायर। अब इस इंटरवल का 2 से लेके 5 तक के इंटरवल का यू कितना है, 0, क्योंकि वो रुक चुका था यहां पे, हाफ ए की जगह अब 4 लिख दो, डेल्टा टी कितना है 5 - 2, भाई इंटरवल 2 से 5 तक का ही तो है, तो 3 सेकंड का इंटरवल है, तो कितना हो जाएगा 18, तो 18 मतलब पहले वो कितना चला, 8 तो इधर चला और फिर 18 इधर चला, तो टोटल कितना हो गया, 18 और 8 26 मीटर, तो मेरा आंसर आ जाएगा 26 मीटर। मतलब जब भी आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना हो ना, पहले चेक करना पड़ता है ऑब्जेक्ट कहीं मुड़ तो नहीं रहा है, और यहाँ ऑब्जेक्ट 2 सेकंड बाद मुड़ रहा है, रुकेगा ना एक इंस्टेंट के लिए, वापस मुड़ जाएगा क्योंकि एक्सेलरेशन तो अभी भी लग रहा है ना। 125, एक मेन जो है वो मोटर बाइक में यू टर्न लेता है, देखो चलता चलता यू मुड़ गया है ना, पहले स्पीड कितनी थी 54, अब स्पीड कितनी काउंट होगी -54, तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी है ना, तो -54 माइनस ऑफ +54 बाई, और देखो ये भी किलोमीटर पर आ रहे हैं, इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिवाइड बाई 10, तो कितना हो जाएगा 108 × 5/18 डिवाइड बाई 10, तो ये हो जाएगा 30/10, यानी कि 3 का एक्सेलरेशन आएगा है ना, और वैल्यू पूछी ना बस, तो वैल्यू तो पॉजिटिव ही होती है, 3 आ जाएगा है ना, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगला आता है डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्यूब ऑफ टाइम के प्रोपोर्शनल है, यानी कि टी क्यूब, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा,
वेलोसिटी होता है डीएस बाई डी टी, तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 3t² आ जाएगा। एक्सेलरेशन क्या होता है डीवी बाई डी टी, तो ये 3t² का 2t। तो बताओ किस पे डिपेंड करेगा, टी की सिंगल पावर पे। ठीक है, यहां तो एक इक्वल साइन ही आता है ऐसे। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन कर दो ना, टी क्यूब के दो बार डिफरेंशिएशन करोगे, दो पावर कम हो जाएगी, एक पावर बचेगी बस। ये बोल रहे हैं एक ऑब्जेक्ट को 100 की स्पीड से फेंके तो कितना टाइम बाद वो वापस जमीन पाएगा। देखो टोटल टाइम ऑफ मोशन होता है 2u/g, 200/10, 20 सेकेंड्स, सिंपल सा है। ये बोल रहे हैं कि स्टोन को ऊपर फेंकते हैं फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर रिचेज द ग्राउंड विद स्पीड 3u, हाइट ऑफ टावर बतानी। देखो अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि स्पीड u से फेंका अपन ने, है ना, ऊपर की तरफ फेंका, फिर वापस वो नीचे आया तो कितनी स्पीड, v से टकराया होगा, इस दौरान डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा। अच्छा ये हाइट पूछा है और स्पीड दिया हुआ है 3u, तो देखो v² = u² + 2as होता है। v कितना है 3u² चाहे नेगेटिव कर दो, u कितना है प्लस का u² 2, एक्सेलरेशन कितना है -g और h, तो ये कितना हो जाएगा 9 और 1 10 u² / 2gh, है ना। तो 3u पे टकराया है ना और u से अपन ने फेंका था। ठीक है, तो ये बोल रहे कि हाइट कितनी होगी, तो अपने पास आंसर क्या हो जाएगा इसका, 2gh इधर जाएगा तो ये a सॉरी 8 बचेगा ना इसमें, हाँ तो 8 बचेगा, तो 8/2g यानी कि 4u² / g, ये मेरा आंसर सेकंड आ जाएगा। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन, यहाँ डिस्प्लेसमेंट बेसिकली नेगेटिव माइनस एच होगा ना, इसलिए डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की तरफ हो रहा है, अब आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल इक्वेशन ऑफ मोशन पर बेस्ड। 129, पैकेट इज ड्रॉप फ्रॉम बैलून विच इज गोइंग अपवर्ड विद वेलोसिटी 12, वेलोसिटी ऑफ पैकेट। आप देखो जब कोई बैलून ऊपर जा रहा है ना 12 की स्पीड से, तो जो पैकेट आप ड्रॉप करोगे उसकी भी स्पीड 12 होगी, है ना। अभी बोल रहे 2 सेकंड बाद वेलोसिटी क्या होगी, तो वेलोसिटी बराबर u + at, वेलोसिटी पहले +12 है, एक्सेलरेशन -10 लगेगा, कितने सेकंड तक, 2 सेकंड तक स्पीड आएगी -8। तो अब यहाँ पे g की वैल्यू 9.8 लोगे तो आपका आंसर थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन में कर लेंगे, 9.8 से करते हैं तो माइनस का 12, रुको ये हो जाएगा 12 - 19.6, तो कितना हो जाएगा माइनस का 7.6। अच्छा माइनस के साथ वेलोसिटी पूछा ना, तो माइनस के साथ थर्ड ऑप्शन आ जाएगा इसका 29 का। 30 में द वेलोसिटी ऑफ कार एवरेज 5, 10, 15, देखो डिस्प्लेसमेंट बताना, तो तीनों डिस्प्लेसमेंट को ऐड कर दो, पहला डिस्प्लेसमेंट दूसरा तीसरा, है ना। पहला क्या आएगा वी एवरेज, देखो एवरेज वेलोसिटी को टाइम इंटरवल से मल्टीप्लाई कर दिया करो, सिंपल सी बात है। एवरेज स्पीड कितनी है 5, टाइम कितना है 1, फिर कितनी है 10 × 1, फिर कितनी है 15 × 1, कितना हो जाएगा बेटा 30, ये आएगा डिस्टेंस, है ना। सिंपल एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम इंटरवल, उससे उस इंटरवल का कितना डिस्टेंस है वो पता लग जाएगा। ओके आगे चलते हैं। 131 में ए एंड बी आर टू नॉन जीरो वेक्टर थीटा एंगल बिटवीन ए एंड बी, सेलेक्ट इनकरेक्ट ऑप्शन। देखो हमें पता है कि अगर 90 से कम एंगल हो ना तो एडिशन डोमिनेटिंग होता है, सही बात है। 90 से ज्यादा हो तो एंगल एडिशन कम आता है, ये भी बात सही है। 90 पे एडिशन सब्सट्रैक्शन दोनों बराबर होते हैं, 90 पे ये तो होता है जीरो और ये होता है ए बी, तो ये गलत है। अब इन्होंने पूछा क्या है, इनकरेक्ट पूछा है, तो इनकरेक्ट के हिसाब से अपना ये ऑप्शन जो है वो सही बन जाएगा, इनकरेक्ट पूछा है ना। ठीक है, 32 में अल्फा बीटा गामा एक्स वाई जेड से एक वेक्टर बनाता है, तो इसका रिलेशन होता है कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1, ये डायरेक्ट रिलेशन होता है। अगला है, एक वेक्टर 60 डिग्री एक्स एक्सिस बनाता है, 60 डिग्री वाई एक्सिस बनाता है, जेड एक्सिस से कितना बनाएगा भाई, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा और कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1, तो ये हो जाएगा कॉस 60 की वैल्यू 1/2 कॉस गामा स्क्वायर 1, इससे कॉस स्क्वायर गामा आएगा 1/2 और गामा आ जाएगा इससे 45 डिग्री, क्यों, क्योंकि कॉस 45 ये इससे कॉस गामा जो है वो 1/√2 आएगा ना, तो 1/√2 के हिसाब से 45 डिग्री, थर्ड ऑप्शन। 133 में थर्ड ऑप्शन, इसमें कोई कंफ्यूजन।
134 में ये बोल रहे हैं सेम मैग्नीट्यूड है तो एक्स की वैल्यू क्या होगी। देखो पहले वाले का मैग्नीट्यूड कितना है, वन स्क्वायर थ्री स्क्वायर टू स्क्वायर, दूसरे वाले का मैग्नीट्यूड कितना है एक्स स्क्वायर टू स्क्वायर वन स्क्वायर। सॉल्व करोगे तो कितना रहेगा, नौ चार दस और एक चौदह, और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस पाँच, तो एक्स बराबर रूट ऑफ नाइन यानी कि थ्री, यानी कि थ्री पे अपना काम बन जाएगा। ठीक है, पांचवा आता है ए क्रॉस बी पूछा है। देखो ए क्रॉस बी करने का तरीका क्या होता है, अपन डिटर्मिनेंट बनाते हैं ना, तो टू थ्री वन वन माइनस वन टू, इससे करेंगे ए क्रॉस बी और उसकी वैल्यू पूछिए। तो पहले तो ए क्रॉस बी निकालते हैं, तीन इंटू दो छः, छः माइनस ऑफ माइनस वन, ये तो आई केप, जे केप के लिए वन इंटू वन माइनस चार, तो वन माइनस फोर जे केप, और के केप के लिए माइनस टू और माइनस थ्री, तो कितना हो जाएगा सेवन आई माइनस थ्री जे माइनस ऑफ फाइव के। अब इसका मोड बताना है, तो सात स्क्वायर तीन स्क्वायर पांच स्क्वायर, फोर्टी नाइन नाइन ट्वेंटी फाइव, तो हो जाएगा फिफ्टी एट और ट्वेंटी फाइव, कितना हो जाएगा फिफ्टी एट और ट्वेंटी फाइव करेंगे तो एट्टी थ्री, तो रूट एट्टी थ्री मेरा आंसर आ जाएगा इससे, है ना। सिंपल, देखो यहाँ पे आपको केवल क्रॉस प्रोडक्ट तक ही करना था, तो ये आपका सेक्शन ही कंप्लीट हुआ जिसमें आपको ऑप्शनल चॉइस नहीं मिलती है। अगला सेक्शन आता है सेक्शन बी, यहाँ आपको ऑप्शनल चॉइस मिल जाएगी। ठीक है, मतलब आपको 15 में से 10 क्वेश्चन करने। ये बोल रहे हैं कि दो ऑब्जेक्ट जीरो रिलेटिव वेलोसिटी जा रहे हैं, ऐसा किस में हो रहा है। देखो जीरो रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, वी ए इक्वल्स टू वी बी, और ऐसा कब होगा जब स्लोप इक्वल होंगे, तो स्लोप किस में इक्वल है, एक्स टी ग्राफ का स्लोप ही तो वेलोसिटी होता है ना, तो बाकी सब में स्लोप अलग अलग आ रहा है, इसी में स्लोप इक्वल आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे दोनों सेम वेलोसिटी जा रहे हैं, तो सेम वेलोसिटी मतलब जीरो रिलेटिव वेलोसिटी, है ना। अगला बोल रहे हैं कि आदमी पांच से जा रहा है, तो रेन ड्रॉप जो है वो 45 डिग्री से उसको आती हुई लग रही है ना, और एक्चुअल में तो जो है ये वर्टिकल गिर रही थी, तो एक्चुअल में तो रेन की जो स्पीड है वो ये है। ठीक है, कब, जब आदमी रुका हुआ हो। अब ये बोल रहे हैं कि आदमी पांच की स्पीड जा रहा, तो उसको रेन जो है वो 45 डिग्री वर्टिकल से आती हुई दिख रही है ना, तो इसका मतलब आदमी अगर जाएगा तो उसको पांच से इधर जाएगी, वी आर इधर मान लिया, ये इधर मान लिया। अब ये बोल रहा है कि इसको रेन 45 डिग्री पे आती हुई दिख रही है, इसका मतलब ये एंगल 45 इसको दिख रहा है, तो इसका मतलब 45 डिग्री एंगल तभी बनेगा ना जब एक्चुअल स्पीड ऑफ रेन दोनों कंपोनेंट इक्वल होंगे, तभी तो स्पीड ऑफ रेन जो है उसको 45 डिग्री पे जाती दिखेगी, तो इसका मतलब ये एक्चुअल स्पीड भी कितनी रहेगी, पांच। 45 एंगल तभी बनता है जब दोनों कंपोनेंट इक्वल हो, तो फर्स्ट आंसर आ जाएगा 137 का। अगला आता है कि एक कार 80 से और दूसरी से ए बनाती है, तो ए की बी के रिलेटिव, तो वी ए विद रेस्पेक्ट टू बी पूछा है, यानी कि वी ए माइनस वी बी, ए का कितना है 80 किलोमीटर, 80 कितना है ये नॉर्थ ईस्ट, माइनस ये कितना है 60 साउथ ईस्ट। ठीक है, अब 80 नॉर्थ ईस्ट यानी कि 80, अब नॉर्थ ईस्ट का यूनिट वेक्टर क्या होता है 1 बाई रूट टू आई प्लस 1 बाई रूट टू जे, 60 साउथ ईस्ट का क्या होता है 1 बाई रूट टू आई माइनस ऑफ 1 बाई रूट टू जे, तो ये हो जाएगा 20 बाई रूट टू आई केप, 80 60 60 यानी कि 140 बाय रूट टू जे के आ गया। अब इसका एंगल पूछा है ना, और नॉर्थ से एंगल कितना बनेगा, तो नॉर्थ से एंगल मतलब कि रिलेटिव वेलोसिटी इधर आ रही ना, तो नॉर्थ से एंगल पूछा है अल्फा, तो टेन अल्फा क्या हो जाएगा एक्स कंपोनेंट डिवाइड बाय वाई कंपोनेंट, तो एक्स कंपोनेंट कितना है 20 बाय रूट टू, वाई कंपोनेंट कितना है 140 बाय रूट टू, तो कितना हो जाएगा 1/7, तो फर्स्ट आंसर आ जाएगा 138 का, इसमें कोई डाउट। फिर नेक्स्ट आता है कि पाथ ऑफ ए सीन बाई बी, देखो इसके लिए आपको क्या करना है वी ए विद रेस्पेक्ट टू बी निकालना है, कितना आएगा 8 आई माइनस ऑफ 8 आई यानी कि 0, एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी निकालना है माइनस ऑफ 2j माइनस ऑफ 4j, कितना आएगा है माइनस ऑफ माइनस 4j यानी कि प्लस का 2j। देखो जब भी इनिशियल वेलोसिटी रिलेटिव में अगर जीरो हो, तो फिर पाथ हमेशा और एक्सेलरेशन फिर चाहे कुछ भी हो,
है ना, एक्सेलरेशन नॉन जीरो, वेलोसिटी जीरो, तो इस केस में हमेशा पाथ स्ट्रेट लाइन होगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, है ना, तो स्ट्रेट लाइन पाथ बनेगा, ठीक है। पैराबोला बनने की केवल एक ही कंडीशन होती है, जब इनिशियल वेलोसिटी रिलेटिव वाली और इनिशियल एक्सेलरेशन रिलेटिव वाला उनके बीच में एंगल 0 से 180 के बीच का कुछ भी हो जाए तो पैराबोला बनता है, बाकी हर केस में स्ट्रेट लाइन बनता है। अगला आता है कि काइनेटिक एनर्जी ई से फेंका है तो 45 डिग्री एंगल पे, तो हाइट पे क्या होगी? देखो यहाँ पे वेलोसिटी का एक कंपोनेंट ये है, दूसरा कंपोनेंट ये है, तो इस कंपोनेंट, अब यहाँ टोटल एनर्जी स्पीड वी है, तो हाइट पे जाने के बाद के डैश क्या बचेगा? हाफ एम यू बाई रूट टू का स्क्वायर, केवल एक्स कंपोनेंट की वजह से बचेगी, तो हाफ एम यू स्क्वायर बाई टू, इसका मतलब ये आ जाएगा ई बाई टू, तो ई बाई टू थर्ड ऑप्शन हो गया, ठीक है। 140 में आपको केवल डायमेंशन मैच करनी है, फोर्स की डायमेंशन क्या होती है? m1 l1 t माइनस टू, एक्सेलरेशन की l1 t माइनस टू, वर्क की m1 l2 t माइनस टू, पावर की m1 l2 t माइनस थ्री, तो a का q ये रहा, b का s ये थर्ड ऑप्शन आ गया। अगला आता है t1 t2, सेम रेंज r के लिए है, तो देखो सेम रेंज के लिए दो एंगल होते हैं, एक तो थीटा होता है और एक 90 माइनस थीटा होता है, ठीक है। तो इस केस में t1 t2 का मल्टीपल जो है वो क्या होगा? t1 t2 क्या हो जाएगा? 2u sin थीटा / g into 2u sin 90 माइनस थीटा / g, है ना। अब 2 बाहर g बाहर, अंदर क्या आ जाएगा? u स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा / g, ये बन जाएगा r का फॉर्मूला, है ना, तो क्या हो जाएगा? 2 / g r, तो t1 t2 किस पे डिपेंड करता है? r पे, ठीक है। तो इस तरह से ध्यान रखना, इसे सॉल्व करना पड़ता है, एक जी को अंदर रख लिया, एक जी को बाहर ले लिया, ठीक है। और ध्यान रखना रेंज इक्वल तभी आती है जब एक एंगल 90 हो, दूसरा 90 माइनस थीटा, एक एंगल थीटा हो दूसरा 90 माइनस थीटा हो, ठीक है। फिर अगला आता है कि एक्स और ये है तो इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल की क्या होगी? देखो वेलोसिटी में दो कंपोनेंट होते हैं, वी एक्स आई के प्लस वी वाई जे के। वी एक्स कितना हो जाएगा? डी एक्स बाई डी टी, और ये क्या हो जाएगा? डी वाई बाई डी टी। डी एक्स बाई डी टी कितना हो जाएगा? 6। डी वाई बाई डी क्या हो जाएगा? 8152t। कितने टाइम पे बताना बेटा इसको आपको? टी टाइम पे इनिशियल, अब इनिशियल बताना ना, इनिशियल मतलब टी बराबर 0 पे, तो ये आ जाएगा 6i प्लस का 8j, तो मैग्नीट्यूड कितना आएगा इसका? 10, है ना। मैग्नीट्यूड निकालना था ना, रूट ऑफ 6² प्लस 8 स्क्वायर करोगे तो आपका आंसर 10 आ जाएगा, ये आपका 143 हो गया। अगला आता है 144, सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करने। देखो डेसिमल लगते सारे बात के जीरो काम के होते हैं, इसका मतलब चार तो ये और एक ये पांच, इसमें तो पांच आएंगे। इसमें ध्यान रखना आगे वाला जीरो कोई काम का नहीं, बाकी गिनो 3 और 3 6, ये मिडिल जीरो है, काम के होते हैं हमेशा। इसमें लीडिंग जीरो कोई काम के नहीं है, लीडिंग जीरो चाहे डेसिमल हो या ना हो कभी काम के नहीं होते, तो इसमें एक, और इसमें पावर्स कभी काउंट नहीं होती, खाली तीन है, तो ये आ जाएगा आर। तो ए में कितना आएगा? पी, ए में पी, बी में एस, सी में क्यू और डी में आर, ठीक है। फिर आता है कि मोशन किस तरह का है। देखो यहां तो पोजीशन चेंज नहीं हो रही, मतलब कि क्या हो जाएगा? रेस्ट। यहां स्लोप कांस्टेंट है, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी, यहां स्लोप वेरिएबल है, मतलब वेरिएबल वेलोसिटी, तो क्या आ जाएगा? ए में आर, बी में पी, ए में आर, बी में पी और सी में क्यू, थर्ड ऑप्शन आ गया। फिर स्लोप देखना होता है, एक्स टी ग्राफ का स्लोप किसको डिनोट करता है? वेलोसिटी को। 6 में देखो यहाँ पे वैल्यू 5 लिखी हुई है, तो पहले तो एरिया निकालो, ये एरिया और ये एरिया, ये एरिया कितना आएगा? 7.5। ये एरिया कितना आएगा? -10। टोटल चेंज कितना हुआ? -2.5। भाई टोटल एरिया जो है -2.5 का होता है। ए टी ग्राफ का एरिया डेल्टा वी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो वी माइनस इनिशियल कितना था? 5। चेंज कितना हुआ? -2.5 का, तो v कितना हो जाएगा? +2.5। ये आपका आंसर आ गया थर्ड। ध्यान रखना at ग्राफ का एरिया किसको रिप्रेजेंट करता है? डेल्टा v को। फिर आता है 0 से 10 तक डिस्प्लेसमेंट बताना है। 0 से 10 तक डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? हाफ इंटू पैरेलल साइड का सम और पैरेलल साइड के बीच का डिस्टेंस, 60/2 30, फर्स्ट आंसर हो गया। अगला है 2 सेकंड बाद वेलोसिटी बतानी। देखो ए टी ग्राफ का एरिया किसको शो करता है? डेल्टा वी को, तो डेल्टा वी बराबर एरिया, है ना।
इनिशियल वेलोसिटी कितना है 2, एरिया कितना है हाफ बेस इनटू हाइट, तो ये आ जाएगा v बराबर 6, ये आ गया। एटी ग्राफ का एरिया जो है वो डायरेक्ट वेलोसिटी चेंज को शो करता है। अब ये बोल रहे हैं एटी ग्राफ के लिए कौन सा, देखो ए जब टाइम के साथ लीनियरली बढ़ रहा है सॉरी, तो v तो हमें पता है a डॉट dt होता है, और t का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा टी स्क्वायर आ जाएगा, तो यहां तो वेलोसिटी टी स्क्वायर के हिसाब से बढ़ेगी, ये गलत, टी स्क्वायर का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है। अब बाद में एक्सेलरेशन जीरो है, एक्सेलरेशन बाद में जीरो होने का मतलब क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट होना, तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, कम होने का तो सवाल ही नहीं, ये गलत हो गया यहाँ पे, ठीक है। और लास्ट ये बोल रहे हैं कि वीटी ग्राफ, देखो वीटी ग्राफ का स्लोप क्या होता है, एक्सेलरेशन स्लोप नेगेटिव है ना, तो शुरुआत का एक्सेलरेशन नेगेटिव होना चाहिए, और स्लोप कांस्टेंट, इसलिए कांस्टेंट, तो नेगेटिव और कांस्टेंट, तो ये नेगेटिव और कांस्टेंट है, फिर बाद में स्लोप पॉजिटिव और कांस्टेंट, पॉजिटिव और कांस्टेंट, सेकंड ऑप्शन आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ओके बच्चों, आई होप आप लोगों ने अपना पेपर अच्छे से दिया होगा, तो अपने जो भी डाउट्स थे उनको आप अच्छे से समझें और आगे के लिए प्रिपेयर रहें। ओके बच्चों, ऑल द बेस्ट।